साथियों नमस्कार। जब भी किसी बकरी के बच्चेदानी में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, खराबी हो जाती है, तो वो बकरी ना तो पूरा वजन गेन करती है, ना वो वापस हीट पे समय पे आती है, अगर हीट पे आ भी जाती है तो कंसीव नहीं करती, और कंसीव कर भी जाती है तो भाई अबॉर्शन हो जाता है। कई प्रकार की समस्याएं बच्चेदानी में संक्रमण की वजह से हो सकती है। और अगर हम कारण की बात करें तो भाई बच्चा देते समय कोई सा भी रीज़न हो सकता है संक्रमण का। बच्चा देते समय अगर मान लीजिए बच्चा फंस गया है, उससे संक्रमण हो जाता है। थोड़ा बहुत फूल पाचा दिखाई दे दिया, उससे हो जाता है। जर समय पर नहीं गिरी, उससे हो जाता है। पूरी तरीके से मेले नहीं गिरे, उससे हो जाता है। बच्चेदानी को एक महीने बाद जो नॉर्मल स्थिति में आना था, स्थिति में आई नहीं, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर आपने जिस बकरे से क्रॉस करवाया वो बकरा भी संक्रमण कर सकता है, यानी कि मेल भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये कई प्रकार के कारण हैं जिनकी वजह से बच्चेदानी में संक्रमण हो जाते हैं, और भाई बड़ा नुकसान हमारी बकरियों को झेलना पड़ता है, और दूध कम, वजन कम, और सारी समस्याएं हो जाती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है? पहले पहचान कैसे करेंगे? पहचान में ये होता है कि बकरी बार बार पेशाब करती है, पेशाब वाले रास्ते से मवाद सी गिरती है, हीट में आती नहीं है, या हीट में आ जाती है तो ठहरती नहीं है, और ठहर जाती है तो बच्चे को वापस गिरा देती है, मतलब अबॉर्शन हो जाते हैं। ये अगर शिकायतें कहीं पर भी मिल रही है, इसका मतलब बच्चेदानी में प्रॉब्लम जरूर हो गई है। उसको आप कैसे दूर करें, आज के इस वीडियो में ऐसा समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कई भाई बहुत सारा खर्चा, हजारों रुपये लगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद बकरी की बच्चेदानी सही नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में जो बताया गया समाधान है 100% यूनिक, 100% रिजल्ट वाला है। आप इस्तेमाल करके और बकरी की बच्चेदानी को कम्प्लीटली सही कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बच्चेदानी को जब सही करते हैं तो उस समय कई जो विधियां हैं, जैसे दवाएं छोड़ना, विभिन्न प्रकार की दवाओं का चयन करना, ये सब चीज़ें आती है। मैं मानता हूं आजकल सभी इस्तेमाल करते हैं, और यही हम हमारी ए टू जेड ट्रेनिंग में भी लेते हैं। जो हमारी गोट फार्मिंग की ए टू जेड ट्रेनिंग है, हर महीने की 1 तारीख से शुरू होती है, इस महीने 1 तारीख से भी शुरू हुई है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए। रोज 1 से 1.5 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो बातें सीखेंगे जो आपको अभी तक पता ही नहीं है, कहीं से भी नहीं सीखी। हालांकि YouTube पर हम लगातार आपको देसी इलाज और जनरल जो ट्रीटमेंट्स है वो बताते रहते हैं, लेकिन यूनिक तो यूनिक ही होता है, वो वहां से आप ज्वाइन करके कर सकते हैं। तो आज जो इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूं, देसी इलाज, जिसका रिजल्ट तो भाई बहुत अच्छा है, इसके बाद नंबर आता है कोई दूसरा सफाई फाई करने का, जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप समय पे दे देंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक है कमरकस गोंद, जिसको प्लास गोंद भी बोलते हैं, भाई ये बहुत ही शानदार है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रति बकरी जो इसकी डोज है ना, बहुत ही कम रखनी है। रोज जो आप देते हैं मात्र 5 से 10 ग्राम ही देना है। मैं तो कहूँ कि 5 ग्राम ही आप दे दीजिए। रोज 5 ग्राम आपको कमरकस गोंद लेना है, रोज 20 ग्राम आपको बेसन लेना है प्रति बकरी। अब आपकी कितनी बकरियों की प्रॉब्लम है उस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और खिलाते रहिए, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो 5 से 10 ग्राम बड़ी बकरी में 10 ग्राम ले सकते हैं भाई। तो 5 से 10 ग्राम कमरकस गोंद आप ले लीजिए, और 20 ग्राम आप बेसन ले लीजिए। इसी तरीके से 20 ग्राम ही आप ले लीजिए घी, देसी घी आपको यूज़ करना है भाई, कोई सा भी देसी घी मिल जाए गाय भैंस चलेगा। इसके अलावा आपको 10 ग्राम यूज़ करनी है मिश्री। ज़्यादा अगर हम देते हैं तो बकरी को दस्त होने लग जाती है, इसीलिए ये डोज बहुत ही बैलेंस रखनी है। फिर भी अगर दस्त की शिकायत आपको लगे तो मात्रा को और भी आधा कर लीजिएगा। ये 1 दिन की मात्रा है, हलवा बनाना है, और कितनी बकरियाँ हैं उसको मल्टीप्लाई करके और आप हलवा बना लीजिए, और वो हलवा आप अपनी बकरियों को खिलाइए। फिर देखिए कमाल, जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन था वो बिल्कुल 3 से 5 दिन, आपको कितने दिन देना है 5 दिन, आप देखेंगे कि तीसरे दिन से ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और जो मवाद वगैरह आ रही थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर कोई ताज़ा ब्याई हुई बकरी है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले आप उसके बच्चेदानी की सफाई के लिए जो हम दवा देते हैं, जैसे गुड़, अजवाइन, हल्दी, सौंठ, जीरा वाला अपना जो फॉर्मूला है वो हम देते हैं। इसके अलावा हम साथ में देते हैं एग्जापार या इनवलॉन, यूटरवाइव या फिर यूटरटॉन, जो मेडिसिन देते हैं वो भी बहुत गजब का काम उसमें करती है। तो वो आप 50-50 ml रोज़ दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो बच्चेदानी में अंदर मवाद है, मलबा, वो निकल जाता है। उसके बाद ये फॉर्मूला देते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसका अगर आप श्योर रिजल्ट लेना चाहते हैं कि सर मुझे तो कंप्लीट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको हल्दी और मिनरल मिक्सर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हल्दी मात्र 10 ग्राम रोज़ लीजिए,
और ये मिनरल मिक्सचर जो मिल्को फीड प्लेटिनम आपको दिख रहा है, जिसमें ऑल ओवर विटामिन मिनरल है, अगर आपके यहाँ ये नहीं मिल रहा है तो ऑल ओवर विटामिन मिनरल आप दो तीन चीज़ों को मिला करके कर सकते हैं, जैसे वाइमरोल हो गया, ये जो आपके मिनरल मिक्सचर जैसे एग्रीमिन फोर्ट हो गया, या मान लीजिए टोटाविट स्ट्रॉन्ग हो गया, हिम चिलेट हो गया, इनके साथ आप कोई अच्छी चीज़ें जैसे बोविमिन जीएल हो गया, उनको मिक्स करके देते हैं ना, तो ये बैलेंस बन जाता है। और इसको देते हैं तो ये अकेला ही सारे वर्क कर लेता है, कुछ अलग से देने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो 10 ग्राम आपको रोज़ इसे देना है, बस यही मामला है जो आपको करना है। कंप्लीटली अगर आप ये कर लेंगे ना, तो श्योर बच्चेदानी में जो प्रॉब्लम हुई है उसको बिल्कुल ठीक कर लेंगे। लेकिन ए टू जेड ट्रेनिंग के बारे में ज़रूर सोचिएगा एक बार, जितने भी बकरी पालक है उनको ये ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।